तो इस कभी आपने सोचा है कि आप अपनी वीडियो को खुद से रैंक करा सकते हैं, खुद से सर्च लिस्ट में ला सकते हैं और ब्राउज फ्यूचर में ला सकते हैं? तो एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही कमाल की ट्रिक है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो 100% आपकी वीडियो ब्राउज फ्यूचर में जाएगी, सर्च लिस्ट में जाएगी और वीडियो रैंक करेगी, काफी अच्छे खासे व्यूज उस पर आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक लेकर देना, बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं, 100% वर्क करेगी अगर आप इसका सही से यूज करेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम सचिन मेचर है, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस ट्रिक को बताने से पहले थोड़ा सा आपको मैं YouTube का बेसिक बता देता हूं, यानी कि जो YouTube का एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। गाइस, जैसे कि आपने एक वीडियो अपलोड की, जैसे मैं मान लेता हूं आपने एक 10 मिनट की वीडियो अपलोड की, अब क्या होगा अगर उस वीडियो को 10 बंदों ने देखा, पूरा पूरा कंप्लीट देख लिया, तो क्या होगा कि वो 10 बंदों के आगे वीडियो जाएगी। अगर उस वीडियो को 10 बंदों ने आधा देखा, यानी कि आधे से भी कम देखा, तो वो वीडियो आपकी 10 लोगों के पास ना जाके और वो 5 लोगों के पास ही जाएगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आपकी वीडियो जितनी ज्यादा देखी जाएगी, यानी कि जितने टाइम तक वो वॉच की जाएगी, उतनी आगे आपकी वीडियो बढ़ेगी, क्योंकि ये YouTube का एक एल्गोरिथम है, जितना टाइम आपकी वीडियो पर कोई बंदा देगा उतनी आपकी आगे वीडियो जाएगी। और इसी तरीके से वीडियो वायरल भी होती है, क्योंकि जब तक वीडियो पे 50% से ऊपर ऑडियंस रिटेंशन नहीं आएगा तब तक आपकी वीडियो आगे नहीं जाएगी। तो किस तरीके से आप अपनी वीडियो को ब्राउज फीचर में ला सकते हैं, सर्च लिस्ट में ला सकते हैं और रैंक करा सकते हैं, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, क्योंकि ये चीज आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज मैं खुद लेके आता हूं और खुद मैं ट्राई करता हूं, जब ये वर्क करती है और मुझे कुछ फायदा होता है तब आपके लिए मैं बताता हूं। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको एक वीडियो क्रिएट करनी है, लेकिन वो आपको ज्यादा टाइम की वीडियो क्रिएट नहीं करनी है, आपको 5 से 6 मिनट के बीच की वीडियो क्रिएट करनी है। अगर आप इससे ज्यादा रखते हैं तो आपकी वीडियो ज्यादा नहीं चलेगी, अगर आप इससे कम रखते हैं तो आपकी वीडियो में ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि ये YouTube का एल्गोरिथम है। क्योंकि ज्यादा अगर ज्यादा की ड्यूरेशन की हो जाती है वीडियो, तो उस पर बंदा ज्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि 2-4 मिनट में वो बोर हो जाता है। तो आपको 6 मिनट से नीचे की रखनी है और 5 मिनट से ऊपर की वीडियो रखनी है, बस आपको इतना करना है। अब आपको वीडियो अपलोड कर देनी है प्राइवेट करके, फिर उसके बाद क्या करना है आपको ट्रिक बताता हूं, और उसका एक बढ़िया सा थंबनेल बनाना है, और जो मैं चीजें बताई हैं आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन या टैग वो सारी चीजें आपको लगा देनी है अच्छे तरीके से। लेकिन ये सारा काम आपको 1 घंटे पहले करना पड़ेगा, वरना ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर क्या करना, आपको अपने फ्रेंड का फोन लेना, आपको 10 से 20 फोन ऐसे इकट्ठे कर लेने, जब आप वीडियो अपलोड कर दें आप बाहर जाए, बाहर जाके क्या करना है आपको जो भी बंदा मिले, जो भी आपका जान पहचान का, उससे मोबाइल लेना, और मोबाइल लेके आपको क्या करना अपनी वीडियो अपने चैनल पे जाकर सर्च नहीं करनी है। अगर चैनल उसमें सब्सक्राइब है तो आपकी ब्राउज फ्यूचर में वीडियो आ जाएगी, वहां से देख सकते हैं, लेकिन आपको चैनल पे जाके वीडियो नहीं देखनी है। अगर आप चैनल पे वीडियो जाके देखेंगे तो वीडियो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि चैनल पे वो ही जाता है जो उस चैनल को जानता है। अब आपको क्या करना है, आपको उस तरीके से वीडियो देखनी है जैसे कोई अनजान बंदा आपकी वीडियो देख रहा हो। तो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना जो भी आपका वीडियो का टॉपिक हो, यानी कि जो टाइटल हो, उसको आप सेम टू सेम वहां पर सर्च कर दीजिए। अब आप सोचेंगे भाई सर्च करने पर मेरी वीडियो एकदम कैसे आ जाएगी, आपको कैसे आएगी, मैं आपको बताता हूं। सर्च के पड़ोस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो उस पर क्या करना है आपको टुडे का लगा देना है, यानी कि जो आज की वीडियो पड़ी होगी वो ही आएगी, और उसके बाद देखना कि आपकी वीडियो कहां पर आ रही है, और आपने अगर सही टाइटल दिया होगा तो आपकी वीडियो वहां पर आ जाएगी, और वैसे 100% वीडियो आ जाती है, क्योंकि टुडे की वीडियो अगर डालोगे आप तो आपकी वीडियो तुरंत वहां पर आ जाएगी। अब आपको करना वो वीडियो प्ले करनी है, वीडियो जैसे आप प्ले करेंगे वैसे आपको लाइक नहीं करना है, जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर आप लाइक करेंगे, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने कोई चीज नहीं देखी तो आपको वो कैसे पसंद आ गई, जब आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तब आप उसको लाइक करना, क्योंकि YouTube समझता है कि हाँ कुछ वीडियो में अच्छा है तब वीडियो पूरी देखी गई है और वीडियो को लाइक किया गया। फिर इसके बाद क्या करना, आपको इतना करना, इतना करने के बाद आपको जितने भी फोन मिले 4 से 5, 10, 12 पूरी वीडियो देखनी है, और नीचे जाके आपको कमेंट जरूर करना है, कमेंट ऐसा करना ताकि स्पैम बना जाए, कोई अच्छा सा कमेंट करना और इंग्लिश में आपको कमेंट करना है। इससे क्या होगा कि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो सारी चीजें देखता है, फिर क्या करेगा आपकी वो वीडियो सर्च लिस्ट में पहुंचाएगा। अगर 10 से 20 व्यूज आ जाते हैं जिसमें आपकी वीडियो पूरी पूरी देखी गई हो, लाइक किया गया हो और कमेंट की गई हो, तो आपकी वीडियो आगे जाएगी, आपकी वीडियो ब्राउज फ्यूचर में जाएगी, आपकी वीडियो सजेशन में जाएगी, क्योंकि इसको मैंने यूज किया और बहुत ही कमाल की ट्रिक है। मैं पहले वीडियो अपलोड कर लेता था, फिर मैं जाता था अपने आस पड़ोस में जो मेरे फ्रेंड है उनसे मैं मोबाइल लेता था और उनसे मोबाइल से मैं वीडियो देख लेता। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है, आप जब भी किसी के मोबाइल से अपनी वीडियो देखें तो उसकी लोकेशन आपको ऑफ कर देना है। लोकेशन अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि YouTube को पता चल जाएगा कि ये एक ही लोकेशन से वीडियो देखी जा रही है, यानी कि ये वीडियो खुद देखी जा रही है, तो आपको लोकेशन ऑफ कर देना है। बस आप इतनी ट्रिक यूज कीजिए, आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में जाएगी, आपकी वीडियो ब्राउज फ्यूचर में जाएगी और आपकी वीडियो रैंक करेगी। आप एक बार ट्राई करके देखना, 2 से 4 दिन आप ये
चीजें ट्राई करना, हर एक वीडियो पे ट्राई करना, देख लेना आपको जो ब्राउज फीचर है, जो सर्च फीचर है, वो आपका ज्यादा परसेंटेज उसकी ज्यादा हो जाएगी। बस आप इतना ट्राई करना, क्योंकि इसको मैंने यूज किया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी वीडियो 100% रैंक करेगी और बहुत ही अच्छे खासे व्यूज आएंगे, क्योंकि यार ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है और ऐसे ही वीडियो वायरल होती है। क्योंकि जितनी देर कोई बंदा आपकी वीडियो पर रुकता है उतनी वीडियो आगे जाती है, ये तो आपको भी पता है, यानी कि ये तो बेसिक है, सभी लोगों को पता है। जब तक बंदा आपकी वीडियो पर रुकेगा, जब तक आपकी वीडियो चलेगी। अगर किसी बंदे ने आपकी वीडियो जैसे क्लिक किया और वैसे ही उसको बंद कर दिया तो आपकी वीडियो आगे नहीं जाएगी। तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो कर देना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूं, क्योंकि सबसे अलग कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूं जो आपके काम आए। क्योंकि मैं खुद का कंटेंट बनाता हूं, जब मैं पहले यूज कर लेता हूं फिर उस ट्रिक को लेके आता हूं। तो इस अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो इस नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।